आयो गाइस रेडी लेट्स गो ओके हर हर महादेव मित्रों बोलो हर हर महादेव चलिए स्टार्ट करते हैं फोकस करना अच्छा तरीके से कल हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर अदर इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया था आज हम जाने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि परफॉर्मेंस भी हो गया था नहीं परफॉर्मेंस बाकी था ना <coughs> चला आ जाइए आज हम देखने वाले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बुक के अंदर एक हेडिंग डाल दीजिए शॉर्ट नोट्स के लिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट लेट्स गो <coughs> ओके okay, स्टार्ट करते हैं ध्यान देना

इट्स अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब प्रोमिसोर ने बोला मुझे परफॉर्म करना है पर प्रमिस बोलता है ठीक है अभी नहीं तो ऐसे में उसको कौन सा है अटेम्प्टेड अटेम्प्टेड में अटेम्प्टेड का दूसरा भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोमिसोर ट्राई ही नहीं करता परफॉर्म करने का तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोले एक बार जो एग्जीक्यूटरी इज इट वेरी क्लियर अब उन्होंने मॉड्यूल में <coughs> ध्यान दीजिएगा प्लीज मॉड्यूल में उन्होंने परफॉर्मेंस एक्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी वर्ड के हिसाब से नहीं लिखा है उन्होंने मॉड्यूल में परफॉर्मेंस यूज किया है और दूसरा, या तो एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी मत लिखना वो तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से बोला पर आपने लिखते वक्त क्या लिखना है एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड इज इट वेरी क्लियर यह होने के बाद में कंडीशन उसके अंदर पहला कंडीशन है आ, फॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन बोली है ऑलरेडी वो छोड़ के और कोई नया कंडीशन आना नहीं चाहिए अदरवाइज वो हो जाएगा काउंटर ऑफर क्या हो जाएगा एक बार काउंटर ऑफर दूसरा इट मस्ट बी मेड इन अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस अब टाइम और प्लेस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक चार्ट दिया था आपको याद है मैंने आपको टाइम प्लेस परफॉर्मेंस के लिए एक चार्ट दिया था क्या था बोलो एक बार टाइम एंड प्लेस एंड परफॉर्मेंस वगैरह किस हिसाब से होना चाहिए पहला प्रायोरिटी एज पर एग्रीमेंट दूसरा प्रायोरिटी एज पर कस्टम और तीसरा प्रायोरिटी एज पर बिजनेस आर एट बिजनेस प्लेस एट बिजनेस टाइम इज इट वेरी क्लियर ये याद रखना चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था वो याद होगा अगर सबको तो लाइफ स्टाइल में भी बोलिएगा ये चार्ट आपको याद है क्या नीचे आपको देना पड़ेगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ड क्या बोल क्या बोले एक बार हर्ड सामने वाले पार्टी को बोलने का मौका देना पड़ेगा आपको द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या तो फिर उसको सेटिसफाई करने का मौका देना पड़ेगा और चौथा इट मस्ट बी फॉर द वोल ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस पॉलिशियल ऑब्लीगेशन का लिए नहीं हो सकता आपको पूरा ऑब्लिगेशन के लिए ही करना पड़ेगा मैं चाहूंगा ये रूल्स एक बार नीचे लिख के रखो हेडिंग डालिएगा हेडिंग डालिएगा कंडीशन फॉर परफॉर्मेंस कंडीशन फॉर परफॉर्मेंस उसमें पॉइंट नंबर वन performance shall be unconditional performance shall be unconditional point number 2 point number 2 point number 2 it must be it must be at a time and place it must be at a time and place given as per the custom एज पर द एग्रीमेंट माई मिस्टेक गिवन एज पर द एग्रीमेंट गिवन एज पर एग्रीमेंट और कस्टम और कस्टम और एट बिजनेस टाइम और बिजनेस प्लेस और एट बिजनेस टाइम एंड बिजनेस प्लेस लिखना और एट बिजनेस टाइम एंड बिजनेस प्लेस लिख लिया सबने ये होने के बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर थ्री द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बोथ द पार्टीज टू बोथ द पार्टीज टू एग्जामाइन द गुड्स और सर्विसेज टू एग्जामाइन द गुड्स और सर्विसेज इन्होंने सिर्फ गुड्स बोला है पर हम सर्विसेज भी लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी या चौथा पॉइंट नंबर फोर द परफॉर्मेंस शुड बी फॉर वोल ऑब्लिगेशन द परफॉर्मेंस शुड बी फॉर वोल ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस पूरे ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए पार्शल परफॉर्मेंस इज नॉट वैलिड पार्बशल परफॉर्मेंस शॉल नॉट बी वैलिड स्टॉप पार्शल परफॉर्मेंस शॉल नॉट बी वैलिड लिख लिया फॉर एग्जाम्पल तुमको हंड्रेड uh, टन हंड्रेड गैलो ऑफ ऑयल सप्लाई करना था लेट से कोकोनट ऑयल हंड्रेड गैलोन का सप्लाई करना था आपने एटी गैलोन सप्लाई किया कितना सप्लाई किया एटी गैलोन क्या मुझे क्या इसे वैलिड परफॉर्मेंस कहा जा सकता है नहीं भले ही आपने नाइनटी नाइन भी दिया ना हंड्रेड में से नाइनटी नाइन तो भी ये वैलिड परफॉर्मेंस नहीं है इसको पार्शल परफॉर्मेंस भी वैलिड नहीं कहा जा सकता इज इट वेरी क्लियर देना है तो कॉन्ट्रेक्टुअल लाइबिलिटी में पूरा अदरवाइज जीरो इज इट वेरी क्लियर गाइस जोर से बोले हो समझ में आ रहा है पक्का है ना नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा परफॉर्मेंस बाय हेडिंग मेड डालिएगा मैं चार्ट ही बोल देता हूं इसी को लिख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है सबसे पहले तो प्रॉमिस और खुद जिसने प्रॉमिस किया वो खुद तो कर ही सकता है दूसरा क्या प्रोमिसोर का एजेंट कर सकता है यस कंसाइनर कंसाइनिंग आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो ना येट में रिकवर कर सकते हो चौथा एनी थर्ड पर्सन जिसको प्रोमिसोर ने ऑथोराइज किया है जैसे चिनइया वर्सेस रमैया केस में कंसिडरेशन इज मूड फ्रॉम थर्ड पार्टी बोलो हाविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद आया लास्ट वाला ज्वाइंट ओनर या ज्वाइंट होल्डर या ज्वाइंट कर सकता है ये <coughs> तो पांच लोग कर सकते हैं, सब मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ठीक है क्योंकि इसके अंदर स्टडी क्रिएट करने लायक कुछ ही नहीं तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट द नेम्स और स्टेट द केसेस इज इट वेरी क्लियर स्टार मार्क करके रखिएगा लिख लिया सबने चलो नेक्स्ट वन डिस्टिंगशन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट सक्सेशन असाइनमेंट सुना है सक्सेशन <coughs> और असाइनमेंट का डिफरेंस सुना है चलो कोई बात नहीं लिख लो फटाफट मैं आपको मेंशन करता हूं सक्सेशन सक्सेशन नहीं पता आपको क्या होता है सक्सेशन में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को खुद के असेट ट्रांसफर कर दिए तो मतलब बाप ने बेटे को आफ्टर मरने के बाद असेट ट्रांसफर कर दिया सक्सेशन है या असाइनमेंट है सक्सेशन पर एक कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेज दिए ये सक्सेशन है है या असाइनमेंट असाइनमेंट इज इट दिया क्लियर तो लिखिएगा सक्सेशन में पॉइंट नंबर वन पहले सक्सेशन लिखेंगे फिर असाइनमेंट लिखेंगे आप फिर इन दोनों को कंपेरेटिवली लिखोगे तो डिफरेंस भी बन जाएगा किसी को अगर डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है तो बीच में कॉलम कर लो डिफरेंस में लिखो किसी को पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिखो दोनों वर्क करेगा सक्सेशन के अंदर लिखना वेन द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट when the benefits of the contract <coughs> when the benefits of the contract or risk and liability of the contract when the benefits of contract or risk and liability of the contract <coughs> risk and liability of contract is transferred from one person to another is transferred from one person to another

मतलब कंपेरेटिव लिख रहे हो तो बेटर है असाइनमेंट में लिखेगा एक एक पॉइंट करके लिखो कोई दिक्कत नहीं वेन अब बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेन अब बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेन अब बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन वेन द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बट नॉट द लाइबिलिटी बट नॉट the लाइबिलिटी then इट इज असाइनमेंट then इट इज असाइनमेंट फुल स्टॉप नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट सक्सेशन में सक्सेशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ट्रांसफर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ट्रांसफर्ड आप उसको असेट लाइबिलिटी भी बोल सकते हो चाहिए तो स्लैश करके असेट लाइबिलिटी भी लिख लो असेट एंड लाइबिलिटी बोथ आर ट्रांसफर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ट्रांसफर्ड इन सक्सेशन बोथ आर ट्रांसफर्ड इन सक्सेशन असाइनमेंट में लिखना ओनली रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड इन असाइनमेंट ओनली रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड इन असाइनमेंट Only rewards are transferred assignment. And for liability, usime, and for liability. <coughs> and for liability. Separate agreement shall be made. Separate agreement shall be made. Full stop. <coughs> Next point. Father transferring assets and liabilities to son. Father transferring assets and liabilities to son. <coughs> Father transferring assets and liabilities to son. Is an example of succession. Is an example of succession. Is an example of succession. Assignment me. Assignment me. Example. Likhega. When a consignor transfers a commission, consignor transfers a commission, or a principal transfers a reward, <coughs> or a principal transfers a reward, <coughs> reward to agent or a consignee, to agent or a consignee. इज असाइनमेंट तो एजेंट और कंसाइनी इज असाइनमेंट लिख लिया सबने गाइस बोलिएगा सबको समझ में आया चलो इतना सक्सेशन असाइनमेंट का पॉइंट याद रखना आगे बढ़ते हैं जॉइंट प्रोमिस जॉइंट ज्वाइंट प्रोमिस सुना है क्या होता है जॉइंट प्रोमिस टेदर टू पे सर्टन डेट्स और ऑब्लिगेशन तो उसे क्या कहते हैं ज्वाइंट प्रॉमस और इसके लिए मैंने क्लास में एक्साम्पल दिया था सेम लेता हूँ समझने में बहुत आसान है एग्जाम्पल भले ही फालतू हो पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए ठीक है इसको <clears throat> मैं अगर ले रहा हूं समझो कंपनी का नाम है मौत ना मिलेगी दोबारा जिंदगी मिल नहीं मिलेगी दोबारा जिंदगी तो मिल जाएगी मौत नहीं मिलती दोबारा एक ही बार मिलती है बोलो हाँ ना सो मौत ना मिलेगी दोबारा इसके अंदर समझो कटरी ने गाड़ी भाड़े पे दी वेहीकल गाड़ी दिख रही है सबको

रितिक ने ही पूरे पे कर दिए तो फरहान और अभय थर्टी थर्टी थाउजेंड किस पे करेगा ऋतिक को तो ये भी ऋतिक को देगा ये भी ऋतिक को देगा समझ में आया दूसरे केस में अगर फरहान निपट गया तो ऐसे सिचुएशन में ऋतिक ने अगर नाइन थाउजेंड पे किए तो फरहान का नॉमिनी कितना पे करेगा बोले एक बार थर्टी थाउजेंड टू दीतिक हालांकि फरहान के नॉमिनी ने फरहान के असेट में से ही देना है लेट्स से यहां पे फरहान की असेट फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं तीस हजार के जगह पे बीस हजार की असेंट बची सिर्फ तो ऋतिक को कितना दिया जाएगा सिर्फ बीस हजार बचा हुआ जो भी नॉमिनी जो जो देखो भी भी किसी भी ज्वाइंट प्रोमिसर का शॉर्टफॉल है किसी भी ज्वाइंट प्रोमिसर ने शॉर्टफॉल किया पेमेंट में वो बचे हुए ज्वाइंट कंपेंसेट करेंगे इज इट वेरी क्लियर सिंपल रूल है कोई भी शॉर्टफॉल हुआ बचे हुए प्रोमिसर कंपेंसेट करेंगे कोई अगर प्रोमिसर मर गया तो उसका नॉमिनी पे करेगा बट फ्रॉम द द ऑफ जॉइंट प्रॉमिस नो ये चीज याद रखना नेक्स्ट वाला केस केस नंबर थ्री यहां पे पर ने नाइनटी थाउजेंड दे दिए फरहान इंसॉल्वेंट हो गया और फरहान के असेट में से सिर्फ दस हजार हुए अब फरहान ने एक्चुअली कितना देना था थर्टी थाउजेंड रिकवर कितना हुआ टेन थाउजेंड बचा कितना बीस अब बीस में से कंपेन्से दस हजार ऋतिक करेगा और दस हजार अभ है उसमें भी अगर मैं बोलू थर्टी थाउजेंड अब है कैसे करेगा तो अब है थर्टी थाउजेंड प्लस रिमेनिंग कितना फरहान का अनपेड तो टोटल कितना दे रहा है और अगर आप देखोगे तो नाइनटी माइनस टेन फरहान के गए अभय के गए तो ऋतिक भी कितना दे रहा है तो दस दस का किसने कर लिया? रितिक ने और दस हजार का किसने अभय ने लास्ट वाला केस लास्ट फ्यू केसेस ध्यान देना ऋतिक <coughs> ने नाइनटी थाउजेंड पे कर दिए फरहान इंसॉल्वेंट हुआ उसमें से पांच हजार ही आया अभय भी इंसॉल्वेंट हो गया उसमें से पंद्रह हजार आया तो बचा हुआ पूरा किसको बेयर करना पड़ेगा ऋतिक आर यू अंडरस्टैंडिंग बोलो है हाँ ना नेक्स्ट वन ऋतिक ही मर गया तो ऋतिक के नॉमिनी ने पे किए फिफ्टी थाउजेंड इंस्टॉलमेंट हो गया अभ्य फाइव थाउजेंड अभय सॉरी इंस्टॉलमेंट हो गया फरहान फाइव थाउजेंड अभ इंस्टॉलमेंट हो गया कितना फिफ्टी थाउजेंड तो आप देखना ऋतिक के नॉमिनी मतलब ऋतिक भी मर गया तो उसके नॉमिनी ने असैट में से पचास हजार दिया उसकी लाइबिलिटी तीसरी थी पर अब फरहान और अभय से रिकवर नहीं हो पाया इसलिए नॉमिनी भी असेट में से पचास हजार दे रहा है ज इट वेरी क्लियर ये सोनो ये हालांकि दोनों जिंदा है पर इनके असेट में से बीस ही और ऋतिक भले ही मर गया और उसकी है, इसलिए उसमें से कितना आ रहा है? तो, तो है जो आपको याद रखनी चाहिए इज इट वेरी क्लियर अब इसमें दोनों ने कितना पे किया सबने मिल के सत्तर हजार तो बचा हुआ ट्वेंटी थाउजेंड क्या हो जाएगा बैड डे सबको आइडिया क्लियर है जोर से बोलो ये सबको समझ में आ रहा है बोलो हाँ ना तो इसके लिए ना कुछ बेसिक रूल्स है ये सब कैलकुलेशन करने के लिए वो लिख लो फटाफट मेन प्रिंसिपल्स ऑफ और प्रिंसिपल नंबर सब जन साथ में पढ़ेंगे रेडी बोर्ड के ऊपर दिया है लिख सकते हो तो लिखो फर्स्ट नहीं तो में फोटो निकाल लेना रेडी सबसे पहली बात क्या रूल है लाइबिलिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बराबर है बोलो हाँ तीसरा वन टू थ्री बोलो क्या है केस ऑफ एनी ज्वाइंट प्रोमिस और गेट इंस्टॉलमेंट द लेसर अमाउंट

अमाउंट रिकवर द्स विल बी फाइनल एंड नॉट क्वेश्चने आया जोर से बोलो यह चीज को याद रखना चाहिए तो इसका फोटो खींच के रखो इसमें आपके ज्वाइंट प्रोमिस के सब रूल खत्म होंगे और आप इन्हीं पांच छह रूल के ऊपर पूरा ज्वाइंट प्रोमिस और सॉल्व भी कर सकते हो ठीक है गो फॉर इट फास्ट शोर ड्रीडे डन एवरीबडी बेटा यहां पे टाइम पास मत करो जीवन के अंदर कमेंट्स के अंदर स्पैम किया सब लोग ब्लॉक हो जाएंगे जीवन में ठीक है इधर कोई फालतूगिरी जीवन में नहीं चलेगा चलो यहां तक आइडिया क्लियर है बोलो ये सुनो नेक्स्ट वन अब ज्वाइंट प्रोमिस के मैंने आपको रूल्स बोल दिए बस इतने में आप रूल्स याद रखिए शॉर्ट टर्म में बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज्वाइंट प्रोमिस की जरूरत नहीं है नेक्स्ट वन अगला वाला Time and place of performance of ये तो 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 हो चुका है 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 अपना बोलो हाँ ना। वापस एक बार बोल दो पे करना चाहिए पर नहीं नहीं चलो आगे बढ़ू मैं पक्का नेक्स्ट वन परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस हेडिंग डालिएगा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इसके रूल्स लिखवा दू लिखिएगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन लाइस में सबको समझ में आ रहा है क्या प्लीज कमेंट ओके लिखेगा द प्रोमिस इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमिस द प्रोमिस नॉट बाउंड टू परफॉर्म एग्रीमेंट लिखना द प्रोमिस इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म एग्रीमेंट प्रोमिस और नॉट बाउंड टू परफॉर्म द एग्रीमेंट unless promisee unless promisee is ready and willing to perform reciprocal promise unless promisee is ready and willing to perform reciprocal promise full stop प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस ही जब तक रेडी और विलिंग नहीं दिखता प्रॉमिस और कुछ करने की जरूरत नहीं है पॉइंट नंबर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस शुड बी इन ऑर्डर डिसाइडेड इन एग्रीमेंट शुड बी इन ऑर्डर एज डिसाइडेड बाय एग्रीमेंट शुड बी इन ऑर्डर एज डिसाइड इन द एग्रीमेंट और एज पर द कस्टम मैंने बोला था ना परफॉर्मेंस इज एज पर एग्रीमेंट और कस्टम शुड भी एज पर एग्रीमेंट और कस्टम पॉइंट नंबर थ्री वेन वन ऑफ द पार्टी प्रिवेंट्स टू परफॉर्म आ प्रोमिस

पॉइंट नंबर फोर केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस डिफॉल्ट ऑफ परफॉर्मेंस पार्टी एट डफॉल्ट पार्टी एट डिफॉल्ट विल बी लाइबल टू पे कंपेन्सेशन विल बी लाइबल टू पे कंपेंसेशन टू अदर पार्टी टू अदर पार्टी टू अदर पार्टी फुल सॉप अच्छा इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बात की तो कॉन्ट्रैक्ट वॉयलिड है क्या जोर से बोल वैलिड है क्या नहीं अब इम्पॉसिबिलिटी भी दो टाइप की होती है गाइस एक होती है नॉन इम्पॉसिबिलिटी एक होती है अननोन अब जरूर देखो इसके लिए मैंने एक चार्ट बना के दिया इससे आपको बहुत क्लियर होगा क्योंकि मॉड्यूल में इसके अंदर डेढ़ दो पेज लिखा है पूरा तो बहुत अच्छे से ध्यान देना एग्रीमेंट टू डू इंपॉसिबल एक्ट को मैं डिवाइड कर सकता हूं यहां पे दो पार्ट्स में सबका ध्यान है प्लीज बोलो हाँ है ना सो so, सबसे पहला पार्ट इम्पॉसिबिलिटी वॉज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दूसरा पार्ट सुपरवेनिंग मतलब फ्यूचर में इंपॉसिबिलिटी आ गई अगर एग्जिस्टिंग थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अनोन टू द पार्टीज थी तो कॉन्ट्रैक्ट है इनिशियो क्योंकि पार्टीज को पता ही नहीं नहीं था ये कर सकते इज इट वेरी क्लियर पर अगर अगरबिलिटी थी तो ऐसे सिचुएशन में एनी वन ऑफ द पार्टी वॉइड कर सकता है एंड लाइबल टू पे टू द एग्रीड पार्टी फॉर एग्जाम्पल किसी एक पार्टी को इंपॉसिबिलिटी पता था तो वो पार्टी दूसरे पार्टी को कंपेंसेशन देगा क्या देगा कंपेन्सेशन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हॉर्स सेल करने का क्या सेल करने का हॉर्स और मैंने आपसे पैसा ले लिया पर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे को पता था घोड़ा मर चुका है तो इट इज इंपॉसिबल टू परफॉर्म अब मैंने आपसे जितना पैसा लिया है मुझे आपको एज अ कंपेंसेशन वापस देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट विथ डैमेजेस सबको समझ में आया एवरीबडी अंडरस्टूड बोलो हाँ या ना दूसरा लेकिन इंपॉसिबिलिटी वॉज नोन टू बोथ द पार्टीज दोनों पार्टी को पता थी कि इम्पॉसिबल है, है तो किया ही कॉन्ट्रैक्ट इसे कौन करता है फिर भी अगर किया तो थेरोटिकली वाईड़। थेरोटिकली वाईड़। लेकिन अगर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है सुपरवेनिंग जो फ्यूचर में आई तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वाइड क्योंकि दोनों पार्टीज को नहीं पता था ये ऐसा हो सकता है चलो आइडिया भी होगा कि ऐसा हो सकता है पर कंफर्म थोड़ी था ना तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एक बार वाइड पुट द पार्टीज इन अ पोजिशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं मतलब जो भी लेन हुआ है सब रिवर्स कर लो पैसे दिए वापस ले लो गुड्स दिए वापस ले लो जो भी दिया लेन देन हुआ है सब वापस कर लो इट वेरी क्लियर जोर ये चार्ट बहुत काम का है इंपॉसिबिलिटी के लिए मैं चाहूंगा इसका फोटो खींच के रखिए लिख के रखिए जैसे भी आपको लगता है गो फॉर इट फास्ट आप रादर बोर्ड के ऊपर फोटो खींचने से अच्छा साइड बाय साइड यूट्यूब पे लेक्चर ऑन रखिए एंड दनादन स्क्रीनशॉट निकालिए वो बेटर रहेगा इसको कब तक चेक करते बैठोगे आप समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे साइड में ऑन रखिए जैसे मैंने बोला स्क्रीन शॉट लो धनादन वहीं पे खींच लो क्या दिक्कत है हाँ ना गुड आइडिया नहीं लेट्स गो यहां तक समझ में आया तो आपके लिए इजी रहेगा नहीं तो ये दिखेगा नहीं दिखेगा बाद में तकलीफ हो जाएगी आपको लेट्स गो ये हो गया तो यहां पे परफॉर्मेंस ऑफ द इम्पोसिबल कॉन्ट्रैक्ट भी आपका होता है कबल उसे खत्म नेक्स्ट वाला मेन पॉइंट डालना कितने पॉइंट हो गए चार हो गए पांचवा डालिएगा अच्छा ये इम्पॉसिबिलिटी छोड़ के है सब पॉइंट सर इम्पॉसिबिलिटी का पूरा ब्लॉक अलग दे दिया मैंने आपको ये इम्पॉसिबिलिटी छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट लिखना रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टन थिंग्स रेसिप्रोकलिस आवाज कम करके रखो सिर्फ लेक्चर रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टन थिंग्स सर्टन थिंग्स विच आर मिक्स ऑफ लीगल एंड इन विच आर मिक्स ऑफ लीगल एंड इलीगल विच आर मिक्स ऑफ लीगल एंड इलीगल देन ओनली लीगल पार्ट ऑफ इट शॉल बी परफॉर्म्ड देन ओनली लीगल पार्ट ऑफ इट शॉल बी परफॉर्म्ड, तो उसका सिर्फ लीगल पार्ट ही आपने परफॉर्म करना चाहिए <coughs> बच्चों बोलो नो यहां तक आइडिया क्लियर है चलो यहां तक आपका हो गया परफॉर्मेंस ऑफ कैबल से प्रॉमस अब मैं जा रहा हूँ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट याद है मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ याद है समझो तुम्हारी रिविजन बैच चल रही है अब ये रिविजन बैच जब शुरू हो रही है तो हमने डिसाइड किया कि हर एक रिविजन बैच के लिए अपन फीस रखेंगे कितना फीस रखेंगे पूछो कितना समझो मैच के लिए जीबी सर ने रखा दो करोड़ रुपए समझ में आ रहा है अकाउंट्स के लिए रखा मनीष सर ने तीन करोड़ रुपए इको के लिए चार करोड़ दो आदमी है तो हा है ना अब मैं गरीब आदमी सबसे कम तो मैंने रखा दस रुपए गरीब आदमी कितना चार्ज कर लेगा दस रुपए ठीक है अब जो तो दस नहीं एक करोड़ रखते हैं थोड़ा इज्जत एटलीस्ट वर्ड में तो इज्जत होना चाहिए ना सो so, करोड़ रुपए हमने फीस रख दिया काय का एक बोले एक बाजो से हमारे रिवीजन लेक्चर का अब बहुत अच्छे से ध्यान देना एग्जाम्पल भले ही फालतू है पर कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए इसलिए दे रहा हूं अब समझो आप में से कोई भी है नाम बोलो बेटा चाइटिया चाइटा ने समझो एज ए इंस्टॉलमेंट पहला इंस्टॉलमेंट दिया पांच करोड़ रुपए का अब इस पांच करोड़ रुपए को फीस के खिलाफ कैसे लगाया जा सकता है तो इसमें प्रिंसिपल है सबसे पहला प्रिंसिपल है एस पर द क्रेडिटर एज पर द डेटर डेटर जो तरीका बोलेगा वो तरीके से एज पर डेटर जो तरीका बोलेगा वो तरीके से आपको पैसा लगाना पड़ेगा आर यू अंडरस्टैंडिंग सुनो जोर से बोलो ये सुनो दूसरा प्रायोरिटी टू में मैं सेकंड बोलूंगा डेटर ने समझो कोई तरीका नहीं बोला है इफ नॉट डेटर डिडेंट एक्चुअली डायरेक्टेड एनी वे अप्लीकेशन ऑफ डेट तो मैं इधर नीचे लिखता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो डेटर ने जो तरीका बोला द वे ऑफ एप्रोप्रिएशन जो बोला वो आपको मानना पड़ेगा बोलो हाप्रियन डेटर ने जो तरीका बोला मानना पड़ेगा अगर डेटर में तरीका नहीं बोला है इफ नॉट तो आप जो पैसा लगाओगे वो सबसे पहले लगाओगे टाइम बाड डेट के खिलाफ कई के खिलाफ बोले एक बाजू से टाइम बाट डेट जो अभी टाइम बाड होने वाली है हो चुकी है वो वाली नहीं जो होने वाली है हु इज इन द प्रोसेस ऑफ बींग टाइम बार्ड इज इट वेरी क्लियर सो टाइम बार्ड डेट इन प्रोसेस लिखना चाहूंगा साइड में <coughs> चलो ऐसा भी कुछ नहीं है सभी डेट्स वैलिड है और टाइम बार्ड होने के लिए बहुत समय है इफ नॉट तो ऑन द बेसिस ऑफ फीफो ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिख पा जो है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वेरी क्लियर पर फिफो के भी पहले जस्ट होल्ड फिफो के भी पहले अब मैं थोड़ा इसमें रेगुलर लेक्चर में मैंने ये भी नहीं है इफ नॉट तो मैं बोलूंगा एज पर कस्टम मैं बोलूंगा एस पर क्या बार जो से? कस्टम। अब अगर आप इसको ठीक से देखो तो पहले दो तो एज पर एग्रीमेंट मतलब वही वाला अपना इक्वेशन वापस आ गया कि एज पर एग्रीमेंट एज पर कस्टम बिजनेस वाला बोलो है सोनो सो so, एग्रीमेंट हो गया एस पर क्या हो गया बोले एक बार कस्टम कि कस्टम में जिस प्रकार से इस डेट को लगाया जाता है उस प्रकार से सभी लोग ऐसे ही लगाते हैं ऐसा ये भी नहीं है इफ नॉट तो फिर क्या आएगा बच्चों बोले एक बार फीफो. ये भी नहीं है तो क्या आएगा, बोले एक बार मतलब एज पर बिजनेस प्लान इज इट वेरी क्लियर तो ये सेम तरीका हो गया मतलब अप्रोप्रिएशन ऑफ डेट का भी तरीका सेम है एज पर एग्रीमेंट मतलब जैसे डेटर ने बोला या फिर टाइम बाट बोलो हाँ है ना दूसरा एज पर कस्टम क्लियर है आंसर नहीं भी कुछ हुआ तो क्या बोले एक बार उसे फीफो फर्स्ट फर्स्ट इन, आउट। अब ऐसे सिचुएशन में जब इसने पांच करोड़ दिए अगर इसने, बोली, ध्यान देना, अगर इसने, बोली, इसने बोला ने कि बोले एक करोड़ रुपए मारते हैं तो उनको दो, तो एक करोड़ उसके खिलाफ बोले और पांच करोड़ में से चार करोड़ इकोनॉमिक्स के लिए दे दो विजय सर और ऋषभ सर के लिए क्योंकि वो बहुत अच्छे दिखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो मेथड बोला उसके हिसाब से लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं बोला है तो एज पर फीफो समझो मैथ्स की क्लास एक जून को शुरू हुई अकाउंट्स की क्लास पंद्रह जून को इको की क्लास एक जुलाई को लॉ की क्लास पंद्रह जुलाई को तो पांच करोड़ में से पहले दो करोड़ फुल फीस और सबसे किसको जाएगी लॉ अंडरबडी जोर से बोलो हाँ है ना, तो एक बार वापस से बोलो प्रिंसिपल क्या है एज पर दूसरा टाइम बात डेट तीसरा कस्टम चौथा फीफो इसी हिसाब से अप्रोप्रिएशन करना चाहिए चाहिए फोटो खींच लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए गो फॉर इट फास्ट एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग बच्चों बोलो हाँ है ना सबका हो गया है रिविजन yes no? अब ये हो गया अप्रोप्रियशन ऑफ पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट ये होने के बाद में आपके इसमें थोड़ा बारह पंद्रह सेकंड के लैग से आएगा ठीक है स्क्रीन शॉट एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज ठीक है लेट्स गो नेक्स्ट नेक्स्ट अब जो चीज मैं लेके आ रहा हूं वो बहुत काम की है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय क्या बोले बार जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल एग्रीमेंट में अगर आपको याद होगा तो कुछ पांच चीजें आती है नोवेशन अल्ट्रेशन रिसेशन रेमिशन वेवर याद आया नाम बोलो एक बार नोवेशन अल्ट्रेशन रिसेशन रेमिशन व्हाट डू बाय नोवेशन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो नए कॉन्ट्रैक्ट को बना लो इट इज एज गुज एड अल्ट्रेशन ओनली पढ़ना है साथ में रेडी वन टू थ्री बोलो क्या है वेन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशिएटेड इन इट्स प्लेस ऑफ सिमिलर टाइप इज अ नोवेशन इज इट वेरी क्लियर एग्जाम्पल कॉलिंग बैक अ सेल फोन और कार्स एंड अलॉटमेंट ऑफ द न्यू वन कई बार आपने देखा होगा ऐसा न्यूज आता है कि कंपनी ने ये सेल फोन इशू किया और सभी के सभी कॉल बैक कर लिए क्योंकि सेलफोन में फटने का डिफेक्ट था कि चार्जिंग पे लगाया तो फट जाता था ये हुआ था कौन से केस में हुआ था गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी एस सेवन के केस से में एस सेवन एक दिन क्या हुआ कि इसने तुम्हें एस सेवन परचेस किया और वो एयर प्रेशर की वजह से एरोप्लेन में फट गया नव यू अंडरस्टैंड कितना रिस्की है तो सैंगसंग ने सभी सेलफोन कॉल बैक किए थे दिस इज अशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड सेलफोन कॉल बैक करके कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करके न्यूली बना के दे देना ठीक है कॉल बैक का मतलब ये नहीं होता कि तुम घरे पैसे रिफंड हो जाएंगे कॉल बैक का मतलब है वापस लेके रिपेयर करके तुम्हें नया सेलफोन दिया जाएगा इज इट वेरी क्लियर जोर से बोलो सनो नेक्स्ट वाला अभी भी आजकल भी होता है कार्स भी कॉल बैक करते हैं ठीक है ठीके? अभी अभी हुआ था ना Volvo करता था uh, नहीं किया था बीच में कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा था करता है बहुत सारे लोग करते हैं अभी अभी स्कॉर्पियो का भी बहुत बड़ा इशू हो रहा था कि उसका क्लच पैडल ही निकल रहा था तो स्कॉर्पियो इज बिंग लोगों को yes no? मतलब कुछ टर्म अल्टर करके हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेते अल्ट्रेशन नॉन रिकवरेबल लोन मेड रिकवरेबल बाय अल्टरिंग द टाइम एंड इंटरेस्ट मैंने आपको लोन दिया दो करोड़ का इंटरेस्ट था बारह परसेंट पे बैक पीरियड था पांच साल दो करोड़ का लोन बारह परसेंट का इंटरेस्ट पांच साल में पे करना था आप बोले सर हमसे ना हो पाएगा मैं बोला फिर एक काम कर भाई दो करोड़ का लोन है बारह परसेंट का इंटरेस्ट जगह पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट दे पे बैक पीरियड दस साल ले ले अल्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट वही है लोन का सिर्फ अल्ट्राइट बट एक्चुअली अल्ट्रेशन इज नोवेशन इल्फ ये दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है इज इट वेरी क्लियर

इज इट वेरी क्लियर ये क्या हो गया एक बार रिमिशन बैंक कितने बार करता है सेटलमेंट में इज इट वेरी क्लियर कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दिया है बैंक ने अब बैंक को पता है कि भैया इसके करोड़ एक करोड़ के एक करोड़ ही नहीं हो सकता है एक करोड़ की जगह पिछ सत्तर लाख हो सकता है तो बैंक थोड़ा सा negotiate करके सेटल कर देता है बोलता है पैसा नहीं दे बिकॉज बैंक का मेन बिजनेस पैसे पे चलता है इज इट लिक्विडिटी पे चलता है इज इट वेरी क्लियर नेक्स्ट वाला वेवर वेवर मतलब पूरा छोड़ ही देना

ओके okay, लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है कि कमेंट करके बोलिएगा प्लीज चलो खींच लिया स्क्रीन शॉट इसका आपकी इसमें आया क्या अभी तक अच्छा बाद में खींच लोगे मतलब मैंने बोला फोन पे खींच लो तो अभी बोले बाद में आराम से खींचे वैसे भी यूट्यूब पे है चलो, ये भी खींच लो लोडन एवरीबडी योनो yes नेक्स्ट no? ये चीज होने के बाद में अभी ये हो गया म्यूचुअल परफॉर्मेंस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट इज इट वेरी क्लियर येसोनो तो इसके अंदर हमने सब चीजें डिक्लेयर कर दी कि किस प्रकार से म्यूचुअल एग्रीमेंट से परफॉर्म हो सकता है नीचे एक हेडिंग डालिएगा स्पेशल पॉइंट फॉर परफॉर्मेंस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सॉरी स्पेशल पॉइंट फॉर परफॉर्मेंस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और भी कुछ खास पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए लिखिएगा वेयर ड्यू टू म्यूचुअल अग्रीमेंट very due to mutual agreement. very due to mutual agreement. one party. one party wave of the performance of other. very due to mutual agreement. one party waves of the performance of the other. very due to mutual agreement. one party waves of the performance of the other. परफॉर्मेंस ऑफ द कैबल अदर, देन कॉन्ट्रैक्ट देन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंसिडर्ड वॉयडेबल तो ऐसे केस में यह मत मानना कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया भैया इज इट वेरी क्लियर पॉइंट नंबर टू वेन कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट when contract is rescinded by mutual agreement mutual agreement and made void and made void and made void <coughs> then parties shall be put in such a position and made void then party shall be put in such a position शॉल बी पुट इन सच ए पोजिशन दैट कॉन्ट्रैक्ट डिड नेवर एपेंड जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं एंड कॉन्ट्रैक्ट डिड नेवर एपेंड एज एफ कॉन्ट्रैक्ट डिड क्या बोल एक बार नेवर है डन एवरीबडी ओके लास्ट हेडिंग बचाई इस यूनिट का डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने बुक के अंदर हेडिंग डाल दीजिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके से डिस्चार्ज होता है आई गेस मेरे पास इसके लिए ना चार्ट था शायद लेट मी जस्ट सर्च वन टाइम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होल्ड कीजिए थोड़ा सा ओके okay, लिखिएगा नीचे क्ड ऑफ दिस कितने तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है आठ तरीके दिए हैं सबसे पहला पॉइंट नंबर वन बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लो डिस्चार्ज कर दो बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लो डिस्चार्ज कर लो पॉइंट नंबर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी ऑल्सो पॉइंट नंबर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन भी डिस्चार्ज बाय सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी ऑल्सो सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी दिखा सबने पॉइंट नंबर थ्री कॉन्ट्रैक्ट कैन भी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट जैसे अभी अभी पढ़ा नोवेशन रिसेशन रिमिशन म्यूचुअल एग्रीमेंट ही था कॉन्ट्रैक्ट कैन भी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट

नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैन बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एग्जांपल गुटखा एग्जांपल लिखो गुटखा महाराष्ट्र में बैन करना नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच एक्चुअल एंटिसिपेटरी ब्रिज पता है सबको कि अब ब्रिच तोड़ देना टाइम पे तोड़ देना एंटीसिपेटरी पहले ही बोल देना मैं नहीं करने वाला

कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाई जो तुम्हारे साथ होता है जैसे तुम्हारे साथ होता है निग्लेक्ट रिफ्यूजल दोस्त को पैसे दिए सौ रुपए वापस मांगने जाओ निग्लेक्ट और रिफ्यूजल डिस्चार्ज खत्म बोलो आया ना एवरीबडी एसो नो अब वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है पर होता भी है ना ऐसा बड़े होके तुमने दोस्तों को अगर पैसे दिए बॉन्ड पेपर पे लिखवा के लिया तू वापस करेगा फिर भी वो देगा क्या इलेक्ट रिफ्यूजल ऊपर से चार गालिया देगा क्या बिकारी है कितने बार पैसा मांगता है वगैरह वगैरह ठीक so, है चल सो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तरीके इज इट वेरी क्लियर गाइस नेक्स्ट वन अगला वाला चलो ठीक है इतने तरीके डिस्चार्ज के और यहां पे यूनिट खत्म होता है दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इट वेरी क्लियर गाइस जोर से बोलो हाँ नेक्स्ट यूनिट के ऊपर हम जा रहे हैं रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अरे वाह 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 बहुत बढ़िया रेमेडीज फॉर ब्रीच पता है बच्चों अच्छा ब्रीच कितने टाइप के होते हैं बताओ दो कौन कौन सा एक्चुअल ब्रीच एंड दूसरा कौन सा एंटीसिपेटरी लिखवा के दो या समझते हो समझ आलसी लोग याद है क्या पर समझते हो बोल रहे हो एक्चुअल ब्रीच मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना इज इट वेरी क्लियर बोलो हाँ है ना जैसे मैंने आपको लोन दिया आपका काम है परफॉर्म करके उसको रिपे करना मैंने लमसम रिपेमेंट मैंने आपको लोन दिया चार महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को एट द टाइम आफ्टर द ब्रीच इज डिस वॉट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच पहले ही बोल देना मेरे से ना हो पाएगा जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपके ऊपर ड्रॉ किया महीने मैंने बोला था तीन महीने बाद पैसा चाहिए तुमने एक महीने में बोल दिया पैसा ही नहीं है एंटीसिपेटरी परफॉर्मेंस का टाइम भी पांच चीजें पहला सूट फॉर डैमेजेस कितने टाइप के डैमेज होते लगाओ बोली हम्म छे हम्म और दो मिनट रुकू तो आठ दस कर दोगे आप छे कंफर्म पहला डैमेजेस दूसरा स्पेशल डैमेजेस तीसरा विंडिकेटिव एग्जाम्पलरी डैमेजेस चौथा पांचवा लिक्विडेटेड डैमेजेस प्रीफिक्स डैमेजेस छठवा इंटरेस्ट डैमेजेस सातवा इंटरेस्ट इज इट वेरी क्लियर ये सो नो इतने डैमेजेस आपको पता होने चाहिए टोटल सात है इज इट वेरी क्लियर दूसरा रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दो बीच में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सामने वाले के ऊपर केस कर दो कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें परफॉर्म करना ही होगा लेट्स सिंपल एग्जांपल एग्जाम्पल वाला मुकेश अंबानी ने जस्टिन बीबर को शादी में परफॉर्म करने के लिए अस्सी करोड़ रुपए दिए सुना बोलो हाँ है ना मुझे बताओ मुकेश अंबानी से पैसा एडवांस में गया होगा या उधार में नाचा होगा एडवांस गया होगा ना समझो मुकेश अंबानी ने अस्सी करोड़ ट्रांसफर कर दिए एंड टाइम पे जस्टिन बीबर आने से मना कर दिया कि मेरा कल नहीं हो पाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी रीजन है तो मुकेश अंबानी जस्टिन बीबर के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस करेगा या नहीं करेगा कि तू ही आएगा और तू ही डांस करेगा तेरी जगह किसी और को भेजना मत जस्टिन बीबर बोले नहीं राजपाल यादव को चला लो चलाएंगे नहीं, नहीं। सूट स्किल्स वाले केस में स्किल जहां पे है नेचुरल टैलेंट स्किल वहां सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आता है हाँ बाकी केसेस में भी आता है पर नेचुरल स्किल्स में ज्यादा आता है इज इट वेरी क्लियर नेक्स्ट वन सूट फॉर इंजंक्शन इंजंक्शन मतलब सामने वाले के ऊपर केस ठोक देना और फिर उससे आप जो चाहिए रिकवर कर लेना इंजंक्शन कहते हैं इसको Last, merit, जितना काम किया है उतना डैमेजेस ले लेना जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में यह होता है इज इट वेरी क्लियर समझो दस किलोमीटर का रोड बना था गवर्नमेंट ने टेंडर दिया तो पांच किलोमीटर का बना लिया तो आधा पैसा तुम क्लेम कर सकते हो इज इट वेरी क्लियर चलो एक बार डैमेजेस देख लेते तो फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा देखिए पहला जनरल ऑर्डिनरी मतलब <coughs> कोई कौन सा है? जनरल ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड नॉमिनल डैमेजेस बोलो बोलो पद नाम सबको पता होते हैं कंफ्यूजन सबको होता है वॉट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑर्डिनरी एंड नॉमिनेट लैंग्वेजेस पढ़ के देखो सिर्फ नाम पता है क्या पढ़ा सबने नॉर्मल ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब कंपेशन फॉर लॉस विच कैन ऑर्डिनरीली अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डिनरी तरीके से जो भी लॉस हुआ वो अगर आपने लिया तो उसे ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे होलसेल में शर्ट बेचोगे सो शर्ट एट द रेट ऑफ रूपीज वन थाउजेंड पर शर्ट सो शर्ट एट द रेट ऑफ रुपीज वन थाउजेंड एक लाख का कॉन्ट्रैक्ट था जोर से बोलो ऐसा टाइम पे तुमने मुझे शर्ट बेचा नहीं डिलीवरी दिया नहीं पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मुझे सेम शर्ट आगे सेल करना था तो अब मेरे को टाइम पे आगे का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए सो शर्ट ओपन मार्केट से परचेस करने पड़े वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज में अब टू हंड्रेड मेरे को एक्स्ट्रा लग गया सो शर्ट पे मतलब मेरा टोटल लॉस कितना हुआ बीस हजार बोलो हाँ ना ये मैं आपसे वसूल करूंगा इज इट वेरी क्लियर द लॉस विच मे अराइज फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट उस लॉस को आप एज अ डैमेजेस क्लेम कर लो इज ऑर्डिनरी डैमेजेस ऑर्डिनरी है ना जितना लॉस हुआ उतना दे दे भाई देन वॉट इज नॉमिनल डैमेजेस नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है फॉर्मेलिटी वाले डैमेजेस एग्रीमेंट करने का खर्चा आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टैंप पेपर का खर्चा आर यू अंडरस्टैंडिंग बोलो हा है ना जोर से बोलो नो तो सर फिर स्पेशल डैमेजेस क्या है स्पेशल लैंग्वेज मतलब आपने बाकायदा कुछ लिखवा के लिया कि भैया स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा के लिए कि भैया जैसे तुमने मेरे को शर्ट देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था अब मैं समझो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं तो मैं इसमें क्या लिखूंगा कि भैया ऑर्डिनरी तो वो तो आ ही रहा है दो पर सौ शर्ट तो आ ही रहा है तो बीस तो आ रहे प्लस मैंने यह मैंशन किया मेंटल हेरेसमेंट के लिए मेरे को दो लाख एक्स्ट्रा चाहिए होता है ना भाई लोग मेंटल हेरेसमेंट का मान हानि का भी दावा ठोक डालते हैं वो तो एक्सपलरी में आता है पर मेंटल हेरेसमेंट का अलग से दावा होता है

देने नहीं अभी, अगला, और सबसे आखरी, exemplary vindicate damages, इसे हम मानहानि का दावा बोलते हैं। समझो मुकेश अंबानी ने रिहाना को चेक दिया करोड़ का। अब मुकेश अंबानी ने रिहाना को चेक दिया दस करोड़ का, का लेट से बैंक का नाम है ICICI बैंक उसके अंदर पैसा है मुकेश अंबानी का रिहाना को दस करोड़ का चेक दिया बैंक ने गलती से उसको डिसऑनर कर दिया मार्केट में कल न्यूज क्या फैलेगी अंबानी के पास पैसा नहीं है फैलेगा नहीं फैलेगा मानहानी किसका हुआ मुकेश अंबानी और सिर्फ इंडिया में नहीं देख बहाद्र के देशों में भी होगा क्योंकि रिहाना का चेक बाउंस हुआ है अरे बोलो हाँ ना। तो इस में मुकेश अंबानी विंडिकेट डैमेजेस मांग सकता है तो भाई मान हानि का दावा दे कितना मांग सकता है जितना मान होगा उतना मान हानि के दावे के लिए पहले मान होना जरूरी है समझ में आ रहा है मान ही नहीं है तो नो नोहानी इज इट वेरी क्लियर समझ में आया पक्का हा है ना ये शादी के केस में भी लगता है आपके साथ ऐसा कभी सिचुएशन आएगा आएगा फ्यूचर में किसी के साथ हर एक के साथ नहीं <coughs> खास करके मारवाड़ी फैमिलीज में मैंने देखा है होता है मारवाड़ी और सिंधी कि जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो ऐसे ही सिचुएशन में जब बात फिक्स हो जाती है तो जो बुजुर्ग आदमी रहता है ना सबसे वो शादी फिक्स करने वाला दोनों फैमिलीज की तरफ से वो इमीडिएटली पेपर निकालता है हा

मानहानि होगा नहीं होगा फैमिली का रिप्यूटेशन जाएगा इसलिए वहाँ कंपेंसेशन लिखा रहता है कि भैया अगर आपने तोड़ा ना और तगड़ा लिखा रहता है ऐसे मजाक वाली चीज़ नहीं है ये और मैं आपको बोलता हूँ आपको लग रहा होगा मुकेश अंबानी और ये राधिका इसका अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का ब्याह हुआ बहुत आई कैन टेल यू जितनी बड़ी वो फैमिलीज है और जितना बड़ा उनको थ्रेट है ना दे माइट भी हैविंग दिस एग्रीमेंट ऑब्वियसली वो मीडिया में तो नहीं बोलेंगे कि ये देखो दे डोंट डू दैट बट प्रोबेबली फैमिली ने दूसरे का मान का हानि किया तो सामने वाले पार्टी को इतना पैसा देना पड़ेगा के लिए किया होगा, पर कन्फर्म होगा उनको ही पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं no one does it with the intention of कि हो नो वन डज इट इंटेंशन ऑफ होना ही है ठीक है नो वन डज इट पर अगर हुआ तो क्या इसलिए करते दिस इज कॉल्ड एक बार विंडिकेट एग्जाम्पल रही क्लियर है सबसे आखिरी जो बचता है है इंटरेस्ट ठीक है अब इसमें से आप देख लो कौन कौन से देख लिए जनरल ऑर्डिनरी शर्ट वाला एग्जाम्पल बोलो हाँ स्पेशल डैमेजेस कि भाईया मेंटल हैरेसमेंट का दावा स्पेशल विंडिकेट मानहानी का दावा नॉमिनल डैमेजेस छोटा मोटा खर्चा स्टैंप पेपर रजिस्ट्रेशन वगैरह का डैमेजेस फॉर डिटोरियोशन कॉस्ट अब डिटोरियोशन कॉस्ट में ही आप इंटरेस्ट ले सकते हो पैसा नहीं मिला इट इज एस गुड एज डूर मनी इज डिटोरियोरेटिंग ना अब ये मनी के केस में हुआ लेकिन अगर ये पेरिशेबल गुड्स है

टन के हिसाब से पैसा देंगे ऐसा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होता है <coughs> अब उसमें भी फिश का ग्रेडिंग होता है आपको शायद नहीं पता जापानीज लोग इतने भयंकर है कि उनको अब भी अब भी भागने वाली फिश के टेस्ट में और टैंक में पड़ी हुई फिश के टेस्ट में भी फर्क पता पड़ जाता है हाँ अगर ताजा नदी से पकड़ के अगर फिश उनको बना के खिला दी वो समझ जाएंगे ये ताजा फिश है लेकिन अगर कोई फिश टैंक में पड़ी है और वो खिला दी जाए तो जापानीज लोगों को पसंद नहीं आती वो इतने ऊपर निकल चुके हैं जिंदगी में को खा खा के समझ में आ रहा है ना, ना सच में में तुमको तुमको समझ में आएगा क्या कुछ नहीं तुमको सिर्फ बास आएगी दो दिन बाद बस यार यार ये ये तो बास आ रही है है खराब पर उनको लिटरली ये समझ में आता है कि भैया अभी नदी से ताजी पकड़ी हुई फिश और टैंक में रखी हुई फिश तो आपको शायद नहीं पता जैपनीज फिशिंग कंपनीज में एक टेक्निक होता है फिश को फ्रेश रखने का पूछो कौन सा वो सर्क्यूलर टैंक बनाते हैं बोट के ऊपर ही बोट के ऊपर सर्क्यूलर टैंक बनाते हैं एक साइड से फिश अंदर पुल करते हैं ये फिश इस टैंक के अंदर ऐसे घूमती है और दूसरे साइड वो एक प्रेडिटर फिश लगा देते हैं प्रेडिटर फिश मतलब बड़ा शार्क वार्क लगा देंगे एक कॉर्नर में पूरा ग्लास का ट्यूब होता है ना तो इधर वो देखती है शार्क को और भागती है फिर वापस राउंड के इधर आती है भागती है सो एक्टिव रहती है और ये फिश की सबसे ज्यादा कीमत दी जाती है जापानीज मार्केट में आर यू अंडरस्टैंडिंग कुछ लोग तो इतने हद तक पहुंच गए थे जापानीज फिश मार्केट में कि उन्होंने फियरफुल फिश का टेस्ट एंड हैप्पी फिश का टेस्ट भी अलग अलग करना सेग्रीगेट कर दिया तुम सोच रहे हो दुनिया में क्या चल रहा है अपने को यहां अपनी फटी पड़ी रहती हो तो पता नहीं चलता बोलो हाँ है ना उनकी उनको यह समझ में आ रहा है फिश की फटी पड़ी है भाई वो भी खाके आर यू अंडरस्टैंडिंग और मैं आपको बोलता हूं दिस टेन लाख रुपीज पर टन

तो मुझे एक बार बताओ डिटोरियोरेशन डैमेजेस क्लेम करोगे नहीं करोगे जब इतनी बड़ी चीज पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली डिटोरियोरेशन डैमेजेस तो बनते हैं बोलो हाँ यहां जोर से बोलो ये सो आपको एक और खास बात बताओ बोलो एसो नो ये सेम डैमेजेस रिवर्स लग सकते हैं एंटिक कलेक्शन में रिवर्स रिवर्स डिटोरियोरेशन डैमेजेस इन एंटिक कलेक्शन पूछो कैसे एंटिक कलेक्शन में चीज जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा वैल्यू होती है बराबर है समझो किसी ने तुमको ऑक्शन में एक चीज बेची 400 साल पुराना कॉइन है करके कि पर्शियन साम्राज्य का 400 साल पुराना सुवर्ण मुद्रा है खरीद लो तुमने उसको दो मिलियन डॉलर में खरीदा खुद खरीदने के बाद उसका एक बार टेस्टिंग कराओगे खुद खरीदने के बाद तो आपने जब उसका कार्बन इंडेक्सेशन किया कार्बन कंपोनेंट जिससे पता चलता है क्या है उसमें ढाई सौ साल पुराना ही निकला आप यहाँ पे रिवर्स डिटोरियन डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि भैया आपने 400 साल बोला था इसको इतना समय तो हुआ ही नहीं इसको डेढ़ सौ साल कम है तो डेढ़ सौ साल का डैमेजेस दो दिस इज रिवर्स डिटोरियोशन डैमेजेस इन नाइनटी कलेक्शन समझ में आ रहा है सबको हाँ ना? ऐसी भी एग्रीमेंट होते हैं समझ में आया पक्का जोर से बोलो ईसनो कि ये चीजों को याद रखना कभी हो सकता है आपके काम में आ जाए इसके अंदर केस हुआ था जैसे हेडली वर्सेज बैकसेंडल ठीक है जिसके अंदर बेसिक

अब यहां पे तीन डैमेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्पेशल है बाकी तो आपको लिखवा के दिया है मैंने पर तीन डैमेजेस का डिफरेंस पता होना चाहिए लिक्विडेटेड डैमेजेस फाइन एंड पेनोल्टी में फर्क क्या है इसका डिफरेंस समझ लीजिए क्योंकि फाइन पेनोल्टी सब अलग होता है पढ़िएगा मीनिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस का मीनिंग क्या है पढ़िए एक बार प्रीफिक्स डैमेजेस एस्टिमेटिंग लॉस दैट मे कॉज टू एनी ऑफ द पार्टी ये पहले से प्रीफिक्स है एस्टिमेशन ऑफ लॉस है एस्टिमेशन ऑफ क्या है लॉस <coughs> कि इतना भैया लॉस हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा दो फाइन क्या है पढ़ो एक बार वन टू थ्री बोलो क्या है दिस इज एप्लीकेबल एज अ पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट पेनोल्टी क्या है इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ और इंटेंशनल डैमेज टू अ पर्सन इज इट वेरी क्लियर नॉर्मली फाइन जो होता है ना वो जितना डैमेज हुआ है थोड़ा सा उसके प्रपोर्शन में होता है पेनोल्टी डैमेजेस प्लस レッスン के लिए कि सामने वाले को सबक सिखाना चाहिए इसके लिए एडिशनल कंपोनेंट होता है नीचे इंटेंशन पुट द पार्टीज इन अ सेफर पोजीशन लिक्विडेटेड डैमेजेस का इंटेंशन होता है कि दोनों पार्टीज सेफ रहने चाहिए फाइन का इंटेंशन होता है अ स्मॉल चार्ज फॉर नॉट फॉलोइंग द रॉल्स रूल्स रेगुलेशन पर पेनल्टी का होता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंडिंग और डैमेजिंग पेनल्टी का मेन मकसद होता है पनिशमेंट नीचे कवरेज <coughs> दे कवर ओनली एक्सपेक्टेड लॉस लिक्विडेड एक्सपेक्टेड लॉस को कवर करते हैं फाइन कवर्स इंटेंशन ऑफ कंप्लायंस ऑन अ स्मॉल चार्ज ठीक है मतलब अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो उसके लिए स्मॉल चार्ज है बट पेनोल्टी कवर्स डैमेजेस फाइनस एडिशनल ऑफ अमाउंट फॉर द पनिशमेंट इज इट वेरी क्लियर ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए इसका भी आप फोटो खींच के रखिए गो फॉर इट फास्ट <coughs> कहीं भी एक हद बार पूछा जा सकता है बोलिए लिक्विडेड डैमेजेस फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्ट्रैक्टेड विथ यू फॉर परचेस ऑफ मोबाइल मैंने बोला अगर तुमने मेरे को दस दिन में मोबाइल नहीं दिया तो तुम्हें मेरे को एक लाख देना पड़ेगा लिख कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल हाँ नहीं पे किया तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा हो सकता है बट दैट इज इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है चलो डैमेजेस समझ में आ गया सबको गाइज बोलो हा है ना ओके सो so डेमेज खत्म चैप्टर ही खत्म हो गया ये तो क्या मजाक कर रहे अच्छा बचा हुआ बाकी है जैसे सूट फॉर क्वांटम मेरिट मैंने तुमको ऑलरेडी बोला है कि जितना काम किया उतने का पैसा आपको मिल जाएगा बोलो ये सर नो फिर आता है सूट फॉर क्या स्पेसिफिक चलो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख लो ठीक है लिख के रखिएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदर कॉन्सिक्वेंसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदर कॉन्सिक्वेंसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदर कॉन्सिक्वेंसेस लिखेगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन शूट फॉर क्वांटम मेरिट सूट फॉर द क्वांटम मेरिट इज वैलिड इज वैलिड ओनली वेन Only when parties have performed a contract. Parties have performed a contract partially. Parties have performed a contract partially <coughs> and incurred a cost over the same. And incurred a cost over the same. Be clear, में कंटिन्यू इट इज ओनली अवेलेबल इट इज ओनली अवेलेबल इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ ओरिजिनल कॉन्ट्री ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय एग्रीड पार्टी दो सॉरी टू एग्रीव पार्टी लिखना टू एग्रीव पार्टी फुल फिर पॉइंट नंबर टू द एग्रिउ पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द एग्रीड पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक क्या लिख बाजू से परफॉर्मेंस केस ऑफ Specific performance in the case of contract depending on skill and judgment. In the case of contract depending on skill and judgment, <coughs> skill and judgment. Point number three a suit of injunction can be filed a suit of injunction can be filed injunction can be filed to stop the party to stop the other party to stop the other party from doing something From doing something, which he promised not to do. <coughs> from doing something which he promised not to do. Full stop. Injunction normally is a kind of stay order. Injunction ही कौन सा order है? Stay. अब सामने वाले party को रोक के रख सकते हो कि तूने बोला था तू नहीं करेगा. Is it very clear? Normally ये लगता है in the case of abstain from doing something. ऑफर में फ्रॉम डूइंग समथिंग तब लगता है यहां आपका डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या बोले एक बात से खत्म ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इट वेरी क्लियर अभी आपका आखिरी यूनिट बाकी है कॉन्टिजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आज यहीं पे स्टॉप करते हैं दिस इज ऑल फॉर टुडे टूडे कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कल अपना खत्म हो जाएगा अब रफली अगर आप देखो तो इसके बाद सभी जो चैप्टर्स है वो एक एक दिन के बचे हैं फॉर एग्जाम्पल देर विल बी वन डे फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वन डे फॉर द पार्टनरशिप एक्ट डे फॉर द कंपनी एल एल पी निगोशियबल जो भी है इसमें तो एल एल पी तो बहुत छोटा एक्ट है तो अदर में ऐसा बोलूंगा कि एल एल पी रिवाइज करो मेरे पास होगा तो एल एल पी अपन मेन रिकॉर्डिंग ही देंगे बच्चों एक्ट के ऊपर समय देने की कोशिश करेंगे इज इट वेरी क्लियर चलो दिस ऑल फॉर टूड ए नाइस डे थैंक यू बोलो you, जोर से बोलो <coughs> चलो गुड डे गॉड ब्लेस यू ओम नमस्वा